بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران ملت اسلامیہ آغاز گفتگو سے پیشتر آئیے ہم سبھی حضرات مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ احمد مختار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار باعث گردش لیل و نہار وسیلہ توبہ و استغفار نائب کردگار محبوب پروردگار حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر والہانہ انداز میں ہدیہ درود پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم و آلہ و بارک و سلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ حضرات محترم اللہ تعالی نے ہر زمانے میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے بندوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جب وہ اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجتا ہے تو انہیں ان پیغمبروں ان نبیوں اور ان رسول اور رسولوں کو یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ اسے بندوں کے درمیان انسانوں کے درمیان کس طرح ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے
हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक और उसके बाद अपने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा है, तो उसने तरीक़े हिदायत और रहनुमाई भी उन्हें अता फरमाया है। अल्लाह के वो पैगंबर, वो नबी और वो रसूल उसी के तरीके को लेकर दुनिया में हिदायत और रहनुमाई का फरीजा अंजाम देते रहे। बंदों की हिदायत के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए वो कौन सा तरीका होना चाहिए, पैगंबर के पास वो कौन सा तरीका था, नबियों और रसूलों के पास बंदों की, इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए वो कौन सा तरीका था। आप इस बात को जहन में रखें कि जो भी नबी और रसूल आया वो इंसान बनकर आया, वो इंसानों की बस्ती में आया, वो इंसानियत के पैकर में आया। इंसान का एक अपना मिजाज होता है, उसका एक अपना जज्बा, उसकी एक अपनी सोच होती है। एक तो इंसान के साथ ये मामला है कि उसका अपना एक खास मिजाज होता है, उसकी अपनी एक सोच होती है, उसके अपने जज्बात होते हैं। दूसरी चीज यह है कि इंसान बोलता है, उसके बोलने का एक उसलूब होता है, उसका एक अपना लहजा होता है, उसके बोलने का एक खास अंदाज होता है। तीसरी चीज यह है कि इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ करता है उसके लिए उसका अपना कोई तरीका होता है, अमल का अपना कोई मखसूस तरीका होता है। तो हर इंसान के लिए ये तीन चीजें बिल्कुल वाज़े हैं। पहली चीज उसके जज्बात हैं, उसका मिजाज है, उसकी सोच है, उसकी फिक्र है, उसका ख्याल है, उसकी राय है, उसकी नीयत है, उसका इखलास है। और दूसरी चीज उसकी जबान है, उसकी जबान की क्या, उसकी जबान का क्या उसलूब है, उसका क्या लबो लहजा है। और तीसरी चीज उसका तरीक़े अमल है, तरीक़े कार है। पैगंबर भी चूंकि इंसान है, पैगंबर नबी और रसूल भी चूंकि इंसान है, तो इंसान होने की हैसियत से, बशर होने के तकाजे से उसके सामने ये तीन चीजें हैं। पैगंबरों का भी एक मिजाज है, उनका भी अपना एक जज्बा है, उनकी भी अपनी एक सोच है। और दूसरी चीज ये कि पैगंबर चूंकि इंसान है इसलिए उनके पास एक जबान है, उनके बोलने का भी एक अंदाज है, उनका भी अपना एक उसलूब है। और चूंकि पैगंबर इंसान है, नबी और रसूल बशर हैं, इसलिए उनका भी अपना कोई तरीक़े अमल है। तो अब यहां पर देखना यह है कि पैगंबर तो इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए आए, तो परवरदिगारे आलम ने चूंकि उन्हें हिदायत का तरीका दिया है, तो देखना यह होगा कि परवरदिगारे आलम ने अपने पैगंबरों को कौन सा मिजाज देकर इस दुनिया में भेजा, कौन से जज्बात देकर इस दुनिया में उन्हें रवाना किया, उनकी सोच कैसी थी, उनका मिजाज कैसा था, उनकी नीयतें कैसी थी, उनकी राय कैसी थी। पैगंबर को खुदा ने इस जमीन पर खड़ा किया है इंसानों की हिदायत के लिए, तो परवरदिगारे आलम ने अपने उन पैगंबरों को कौन सी जबान दी है, कौन सा उसलूब दिया है, जबान के लिए कौन सा लबो लहजा दिया है। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को, अपने नबियों और रसूलों को इस जमीन पर खड़ा किया है नबी बंदों की हिदायत के लिए, तो उनके काम करने का तरीका क्या था। आओ इस मसले को हम कुरान की रोशनी में हल करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि पैगंबर बंदों की हिदायत के लिए इस जमीन पर कौन सा मिजाज लेकर आता रहा है, कौन से जज्बात लेकर आता रहा है। हम ये भी देखेंगे कि उनका लबो लहजा क्या था, उनका उसलूब क्या था। हम ये भी जानना चाहेंगे
चाहेंगे कि बंदों की हिदायत के लिए उनके पास अमल का वो कौन सा आला तरीन तरीका कार था। बेशक बेशक अल्लाह ताला अपने पैगंबरों का तारुफ करा रहा है, कुरान के अंदर तारुफ करा रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उसने इस दुनिया में पहले रसूल को भेजा है, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब उसने इस दुनिया में भेजा है तो उनका तारुफ कराया, वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही फकाल या कौमि इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु इन्नी أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وقال الملأ من قومي إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون। ये कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर का तारुफ कराया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा तो उसने इरशाद फरमाया, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो नूह ने कहा ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, इसलिए कि तुम्हारा कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, इसलिए ऐ मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, इसलिए कि मैं तुम सब के सिलसिले में यौम अजीम के अजाब का डर और खतरा महसूस कर रहा हूं। यह यौम अजीम क्या है? यह कयामत का दिन है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहे हैं और उन्हें यौम अजीम के अजाब से डरा रहे हैं। अल्लाह ने उन्हें भेजा था, वो अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, वो अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम दे रहे थे, लेकिन कौम ने उन्हें क्या जवाब दिया था? कौम के मुअज्जज लोगों ने उन्हें जवाब दिया था, ऐ नूह हमें यकीन है, हमारा ख्याल है कि बिलाशुब हम आपको खुली हुई गुमराही में मुब्तला देख रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तो हिदायत लेकर आए थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम तो अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, लेकिन उनकी कौम के मुअज्जज लोगों ने कहा था कि हम आपको गुमराही में देख रहे हैं। उनकी कौम ने यह बात इसलिए की थी कि वो एक लंबे अरसे से देख रहे थे कि हमारी बस्ती में हमारे शहर में बुतों की पूजा हो रही है, तो ये नूह एक अल्लाह की इबादत का पैगाम लेकर कैसे खड़े हो गए। हजरत नूह ने कहा था, या कौमी लैसा बी दलाला वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, ऐ मेरी कौम मेरे अंदर कोई गुमराही नहीं है, गुमराही से मेरा कुछ भी ताल्लुक नहीं है, हाँ मैं तो सारे जहान के परवरदिगार का एक रसूल हूं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया ताकि अपने रब के पैगाम को तुम्हारे सामने पेश करूं और मैं तुम्हारी खैरख्वाही करूं। मैं अल्लाह की जानिब से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस पूरे मुकालमे में, इस पूरी गुफ्तगू में मैं एक लफ्ज पर आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था, उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी वअनसहु लकुम, यानी मैं अपने रब के पैगामात को तुम तक पहुँचा रहा हूँ और मैं तुम्हारी खैरख्वाही करना चाहता हूँ। कुरान के अंदर लफ्ज आया अनसहु लकुम, अनसहु का लफ्ज ये नसीहत से बना हुआ है, नसीहत का लफ्ज है। नसीहत का माना होता है खैरखाही, हमदर्दी। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये कह रहे थे कि मेरी कौम मैं तुम्हारी खैरखाही के लिए आया, मैं तुम्हारी हमदर्दी के लिए आया, मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया, मैं तुम्हें बसाने के लिए आया, मैं तुम्हें आबाद करने के लिए आया, मैं तुम्हारा नासे हूं, मैं तुम्हारी खैरखाही करने वाला हूं। कुरान ने अपने पैगंबर के जज्बात का तारुफ कराया है कि पैगंबर का मिजाज यह है कि वो पूरी दुनिया का खैरखा होता है, उनका हमदर्द होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना अरशद जमाल साहब किबला। पैगंबर, नबी और रसूल
कौम का दुश्मन नहीं बल्कि उनका खैर खा होता है। मतलब ये हुआ कि अगर दीन की इशात करना है, अगर दीन का पैगाम पहुंचाना है, अगर पैगंबराना मिशन को समझना है तो उसे पैगंबरों की तरह जज्बात भी अपने अंदर पैदा करने होंगे, उसे अपनी कौम का खैर खा बनना पड़ेगा, उसे अपनी कौम का हमदर्द बनना पड़ेगा। वो कौम के दरमियान इंतशार पैदा करने की कोशिश ना करे बल्कि उनकी खैर खाही करे, उनके साथ सच्ची हमदर्दी करे। ये पैगंबराना मिशन की पहली शर्त है। परवरदिगार आलम अपने पैगंबरों के जज्बात को बता रहा है, उनके मिजाज का तारुफ करा रहा है और फिर अपने और पैगंबरों का तारुफ कराया तो इरशाद फरमाया وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا ناصح وأنا لكم ناصح أمين। ये कुरान बोल रहा है। परवरदिगारे आलम यहां भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम के मिजाज का और उनके जज्बात का तारुफ कराना चाह रहा है। हजरत नूह हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा गया था तो उन्होंने अपनी कौम को कौम आद को कहा था कि मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, क्या तुम डरते नहीं, क्या तुम कयामत से नहीं डरते, क्या तुम अपनी मौत से नहीं डरते, क्या तुम अजाब से नहीं डरते, अल्लाह के हिसाबो किताब से नहीं डरते। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भी उनकी कौम के लोगों ने यही जवाब दिया था। जो मुअज्जज लोग थे वो आगे बढ़े थे, उन्होंने कहा था कि हूद हम यकीन करते हैं कि तुम किसी नादानी और बेवकूफी के काम में पड़ गए हो और हम यकीन करते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठों में से एक झूठे इंसान हो। आप अंदाजा करें पैगंबर की शान क्या होती है, पैगंबर का मर्तबा क्या होता है। अरे पैगंबर के पास जो अक्ल होती है वो पूरी उम्मत से ज्यादा अक्ल होती है। पैगंबर उम्मत का अकलमंद इंसान होता है, सबसे ज्यादा अक्ल वाला इंसान होता है। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने कहा था कि आप ये क्या बेवकूफी का पैगाम लेकर खड़े हो गए, और उन्हें कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, अरे पैगंबर से ज्यादा सच्चा कौन हो सकता है। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने उनके साथ ये गुस्ताखी का मामला किया था तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा था कि लोगों मेरे अंदर कोई नादानी नहीं है, मेरा हिमाकत से बेवकूफी से कोई रिश्ता नहीं है, मैं झूठ से काम नहीं ले रहा, तुम मेरे पैगाम को झूठ कहते हो, नहीं नहीं मैं तो सारे जहान के परवरदिगार का रसूल हूं और मैं तुम तक अपने रब के पैगामात को पहुंचा रहा हूं और मैं तुम्हारा अमीन भी हूं और तुम्हारा नासिह भी हूं। यहाँ कुरान के इस लफ्ज पर आप गौर करें, आप कुरान के इस लफ्ज पर गौर करें कि कुरान ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नासिह अमीन करार दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हदीए दुरूद पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीईना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबाउल इल्म वल हिकम व आलिही व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कुरान ने
हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जो तारुफ किया है, यहाँ इस तारुफ में मैं उसी लफ्ज पर आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा था, उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन, कि मैं अपने रब के पैगामात तुम तक पहुँचा रहा हूँ और मैं तुम्हारा नासे हूँ, मैं तुम्हारा अमीन हूँ। लफ्ज नासे ये नसीहत से बना हुआ लफ्ज है। नसीहत का माना खैरखाही करना, हमदर्दी करना। गोया हजरत हूद अलैहिस्सलाम ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारा नासे हूं, यानी मैं तुम्हारा खैरखा हूं, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। कुरान ने नबी के अपने पैगंबर के मिजाज का, उसके जज्बात का तारुफ करा दिया है कि पैगंबर वो होता है जो अपनी कौम का खैरखा होता है, अपनी कौम का हमदर्द होता है। ये पैगंबरों का तारुफ कराया जा रहा है, ये पैगंबरों का मिजाज और उनके जज्बात का तारुफ कराया जा रहा है। यहां एक लफ्ज पर मैं आपकी तवज्जो और मबजूल कराना चाहता हूं। कुरान ने पैगंबरों का जहां तारुफ कराया है तो एक खास लफ्ज इस्तेमाल किया है। जैसे मिसाल के तौर पर व इला आदिन अखाहुम हुदा, व इला तमूदा अखाहुम सालिहा, व इला मदयना अखाहुम शुआइबा, यानी हमने हूद को उनके भाई साद की तरफ भेजा, सालेह को उनके भाई समूद की तरफ भेजा, शुआइब को उनके भाई मदियन की तरफ भेजा, मदियन की तरफ उनके भाई शुआइब को भेजा, आद की तरफ उनके भाई सहूद को भेजा, समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। यहां कुरान ने नबियों को भाई कहा है, नबियों को कौम का भाई कहा है। क्या नबी की हैसियत यह है कि वो भाई है? नहीं नहीं, नबी भाई नहीं होता है। नबी का मर्तबा बड़ा आला है। नबी अगर होता है तो अपनी उम्मत का बाप होता है, नबी अगर होता है तो अपनी उम्मत का आका होता है, नबी अगर होता है तो अपनी उम्मत का सरदार होता है। लेकिन कुरान ने नबियों को यहां पर भाई कहा है, कौम का भाई कहा है। भाई का लफ्ज एक सिंबॉलिक लफ्ज है, एक अलामती लफ्ज है। भाई का मतलब क्या है? भाई वो होता है जो खैरखा हो, भाई वो होता है जो हमदर्द हो, भाई वो होता है जो भलाई करने वाला हो, भाई वो होता है जो आबाद करने वाला हो, भाई वो होता है जो बसाने वाला हो। गोया कुरान ने इन पैगंबरों को भाई कहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये पैगंबर अपनी कौम की भलाई के लिए भेजे जा रहे हैं, अपनी कौम की हमदर्दी के लिए भेजे जा रहे हैं, अपनी कौम की खैरखाही के लिए भेजे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह तारुफ कराया, वैला आदिन अखाहुम हुदा, वैला तमूदा अखाहुम सालिहा, वैला मदयना अखाहुम शुआइबा, इस तरह तारुफ कराया जा रहा है। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम जब कौम मदयन की तरफ आए तो उनकी कौम ने उन्हें झुटलाया और कहा, और उन्होंने कहा था, कुरान तारुफ करा रहा है, बयान कर रहा है, वकालल्लज़ी वकालल्मलाउल्लज़ीन कफरू मिन कौमी لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ، یعنی قوم کے کافروں کے معزز لوگوں نے کہا تھا کہ اے لوگوں، اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو بلا شبہ تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن حضرت شعیب نے کہا تھا، حضرت شعیب نے جواب دیا تھا، کہا تھا، لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، یعنی मैंने रब के पैगाम पहुंचाने का फरीजा अंजाम दे दिया, मैंने अपने रब के पैगामात को तुम तक पहुंचा दिया है और साथ ही साथ मैंने तुम्हारी खैरखाही कर दी, तो अब इस काफिर कौम के साथ मैं कितनी खैरखाही करूं, मैं कैसी हमदर्दी करूं। कुरान ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के मिजाज का, उनके जज्बात का तारुफ कराया है तो कहा है कि वो नासह थे, वो खैरखाही करने वाले थे। ये पैगंबर दुनिया में अपनी कौम की खैरखाही के लिए पैदा होते रहे, ये कौम को बसाने के लिए आए थे।
यह सिलसिला चलता रहा, पैगंबरों का यह सिलसिला चलता रहा, यहां तक के आखिर में अल्लाह के सबसे ज्यादा महबूब और आला तरीन रसूल हुजूर अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। उनका तारुफ भी कुरान में जगह जगह मौजूद है। कुरान इरशाद फरमाता है, फबिमा रहमत मिनल्लाही लिंत लहुम वलौ कुंता फज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। यानी ऐ रसूल, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की रहमत है कि आप इन मुशरिकीन के लिए, इन मोमिनीन के लिए नर्म दिल वाक़े हुए हैं। अगर आप सख्त जबान होते, अगर आप सख्त दिल होते, तो लोग आपके इर्द गिर्द से उठकर भाग खड़े होते। कुरान ने अपने पैगंबर के मिजाज को बताया, उनके जज्बात को बताया कि उनकी सोच क्या है, वो उनके उनके जज्बात क्या हैं। उनका दिल नर्म है, वो शफकत करने वाले हैं, वो रहमत करने वाले हैं, वो सख्त जबान नहीं है बल्कि उनकी जबान फूलों जैसी है, वो सख्त दिल नहीं है बल्कि शफकतों का वो जखीरा अपने दिल में रखते हैं। कुरान ने अपने रसूल का ये तारुफ कराया, उनके जज्बात का तारुफ कराया, यहां तक के कुरान पुकार उठा, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। यह है पैगंबरों के मिजाज का तारुफ। आप देख रहे हैं कुरान किस तरह पैगंबर के मिजाज को बता रहा है, आप देख रहे हैं कि कुरान किस तरह पैगंबरों के जज्बात को बता रहा है। ये पैगंबर दुनिया में खैर खाही के जज्बात को लेकर आते रहे हैं। अब इसके बाद दूसरी चीज है, जबान का मामला है। पैगंबरों की जबान कैसी होती है, पैगंबरों का उसलूब कैसा होता है, नबियों का अंदाज गुफ्तार क्या होता है। वो तो हिदायत के लिए आए, वो तो रहनुमाई के लिए आए। इसकी एक मिसाल कुरान के अंदर मौजूद है। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा कि जाओ फिरौन को हिदायत करो, फिरौन जो एक सरकश इंसान था, फिरौन जो एक जालिम इंसान था, वो बच्चों का कातिल था, औरतों को परेशानी और तंगी में डालने वाला इंसान था, वो कौम के अंदर एक जालिम हुक्मरान था। ऐसे जालिम और जाबिर बादशाह की हिदायत के लिए हजरत मूसा और हजरत हारून को भेजा जा रहा है, तो हिदायत की जा रही है, इधबा इला फिरौना फइन्नहु तगा लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। कहे मूसा और हारून, ऐ मूसा और हारून, तुम जाओ फिरौन के पास, इधबा इला फिरौना فإنه تغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى। اے موسی و هارون جاؤ فرعون کے پاس اور اسے ہدایت پیش کرو اس لیے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے لیکن فرعون کے سامنے نرم بات کہنا۔ اے موسی و هارون تمہارا اسلوب ہدایت کا لہجہ نرمی کا لہجہ ہونا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں فرعون تو بڑا ظالم تھا, फिरौन तो बड़ा जाबिर था, वो बच्चों का कातिल था, वो तो इंसानियत का दुश्मन था, उसके लिए तो सख्त से सख्त लहजा होना चाहिए। लेकिन कुरान ये बताता है कि जब वो अपने किसी पैगंबर को इस जमीन पर खड़ा करता है तो उसका लहजा नरमी का लहजा होता है, उसका उसलूब नरमी का उसलूब होता है। मुझे बताओ क्या आज फिरौन से ज्यादा जालिम कोई है, तो लहजा इतना सख्त क्यों है, लहजे में इतनी तलखी क्यों है, लहजे में इतना भोंडापन क्यों है। इसका मतलब यह है कि पैगंबराना मिशन से अभी लोग नावाकिफ हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिरौन से बड़ा कोई जालिम बादशाह है, फिरौन से बड़ा कोई जालिम हुक्मरान है आज की दुनिया में, लेकिन हजरत मूसा को भेजा गया तो कहा गया नर्म बात करना, हजरत हारून को भेजा गया तो नर्म बात करना। अरे बताओ तो सही, ऐ हिदायत का दर्श देने वालों, ऐ रहनुमाई की जिम्मेदारी उठाने वालों, ऐ इस तरह से अल्लाह के पैगाम को दूर दूर तक फैलाने वालों, क्या तुमने कभी अपने उसलूब
का जायजा लिया है? क्या तुमने कभी अपना अंदाज़े गुफ्तार देखा है? क्या तुमने कभी अपने लहजे को चेक किया है? अरे नबी को भेजा जा रहा है तो नरमी की हिदायत की जा रही है, और साथ ही साथ ये कहा गया लअल्लहू यतदक्करु अव यख्शा, अगर नर्म बात करोगे तो हिदायत की उम्मीद है, और अगर सख्त ज़बान इस्तेमाल करोगे तो हिदायत की कोई उम्मीद नहीं। कुरान किस तरह तारुफ करा रहा है, इधवा इला फिरऊना इन्नहु तगा वकूला लहू कौलन लयिना। इस तरह हजरत मूसा अलैहि सलाम को बहुत जलाल था, उनके मिजाज में बड़ा जलाल था, अल्लाह ताला ने उनके मिजाज में बड़ा जलाल पैदा कर दिया था। अब यहाँ मसला सोच में पड़ गया, हजरत मूसा इस कदर जाहो जलाल वाले इंसान, और उनको कहा जा रहा है कि नर्म बात करना, हजरत मूसा के अंदर इतना ज्यादा जलाल और अल्लाह की हिदायत यह है कि नर्म बात करना, बताओ मुश्किल मसला है या नहीं, बताओ मुश्किल मसला है या नहीं। एक इंसान के अंदर इतना ज्यादा जाहो जलाल हो, इतना ज्यादा जलाल हो और उसे हिदायत दी जा रही है कि नर्म बात करना, हजरत मूसा को तो वही करना था जो अल्लाह का पैगाम था। हजरत मूसा अपने परवरदिगार के सामने दुआ का हाथ फैला देते हैं और कहते हैं रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ परवरदिगार मेरे अंदर इतना जाहो जलाल तूने रखा है और उस पर से तू तलकीन करता है कि नर्म बात करना, ऐ परवरदिगार मेरे दिल को मेरे सीने को तू मेरे लिए खोल दे, मुझे शरह सदर अता फरमा, रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी, और मेरे लिए मेरे इस फरीजे को इस मामले को आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, ऐ परवरदिगार मेरी जबान की बंदिश को तू खोल दे ताकि ये लोग मेरी बात समझ सकें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अंदाजा कर रहे हैं ये कितना नाजुक मामला था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नर्म बात करने का हुक्म दिया, मुश्किल पेश आ गई, वो दुआ करने लगे। तो मामला ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ मिजाज पर पैदा किया है, लेकिन अगर पैगंबराना मिशन का फरीजा अंजाम देना है, हिदायत का फरीजा अंजाम देना है तो नर्म बात करना होगा, शाइस्ता गुफ्तगु करनी होगी, उसलूब अच्छा होना चाहिए, लहजे के अंदर हलावत होनी चाहिए। मिजाज मुख्तलिफ है, अगर कोई गर्म मिजाज हो, अगर कोई सख्त मिजाज हो तो वो अपनी गर्मी लेकर बस्ती में ना निकले बल्कि वो दुआ मांगे जिस तरह हजरत मूसा ने दुआ मांगी थी, रब्बिश्रहली यहाँ दुआ मांगने की जरूरत है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं, यहाँ दुआ करने की जरूरत है, गर्मीय गुफ्तार जाहिर करने की नहीं, यहाँ दुआ करने की जरूरी है, झगड़ा खड़ा करने की नहीं। ये पैगंबरों का उसलूब होता है, ये उनकी जबान होती है। अब तीसरी चीज है पैगंबरों का तरीक़े अमल। तीन चीजें मैंने बयान की, एक पैगंबरों का मिजाज, दावत व तबलीग के लिए पैगंबरों के जज्बात वो आपने देख लिए, दूसरी चीज पैगंबरों की जबान उनका उसलूब वो भी आपने देख लिया, तीसरी चीज है उनका तरीक़े कार। अल्लाह ताला ने अपने मुकद्दस कलाम में पैगंबरों के तरीक़े कार को भी बयान किया है। आपका जहन मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जात और उनकी शख्सियत की तरफ ले जाना चाहूँगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा कुरान के अंदर है और उसकी जो तफसीरें की गई हैं वो एक लंबा किस्सा है, वो एक तवील गुफ्तगु है। मैं मुख्तसर में अपने मकसद को आपके सामने जाहिर करना चाहता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेचा जा रहा है और बादशाह मिस्र का सबसे आला ओहदेदार जिसको अजीज़े मिस्र कहा जाता है, अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा और अपने घर में उसे रखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रखा और अपनी बीवी को हिदायत की कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की देखभाल करना, निगरानी करना, हो सकता है ये हमें आइंदा फायदा पहुंचाए या हो सकता
चाहता है कि हम इसे अपना बेटा बना लें। मामला आगे बढ़ता गया। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम लड़के थे, अब बड़े हो गए, खूबरू नौजवान हो गए। उनका हुस्न देखकर मिस्र की औरतें उनके अंदर दिलचस्पी लेने लगी। यहां तक के अजीज़े मिस्र की बीवी ने भी दिलचस्पी, मोहब्बत और इस तरह हुब्बे शदीद की निगाह से देखा। और फिर वाकया आगे बढ़ा है। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम पर इल्जाम लगा है माजल्ला कि उन्होंने अजीज़े मिस्र की बीवी के साथ गलत सलूक किया है, यह झूठा इल्जाम लगाया गया है। और फिर उसकी सजा उन हजरात ने मुतय्यन की है। और फिर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को जेल में डाल दिया गया है। यह एक लंबा वाकया है, मैं जेल के अंदर आपको ले जाना चाहता हूं। आइए, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम जेल में है, कुछ इंसान भी जेल में है। आइए आप तसव्वुरात की दुनिया में जेल के अंदर पहुंचिए। जेल कैसी होती है, कैद खाना कैसा होता है? वहां इंसान है, मफलूकुल हाल है, बेचारे हैं, बेबस हैं। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम पैगंबर की हैसियत से जेल के अंदर पहुंचे हैं। उन्होंने कौन सा काम शुरू किया है? वहां जो मरीज है उसकी इयादत कर रहे हैं, वहां जो कमजोर है उसको सहारा दे रहे हैं। अगर कोई अपने हक के लिए परेशान है तो उसका हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जेल के अंदर वो अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंसानियत की खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जेल में उस जमाने में हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के साथ जेल में कौन लोग थे? वो तो काफिर थे, वो तो मुशरिक थे, वो तो बुतों के पुजारी थे। अरे वो सालिम थे कि उन्हें जेल में भेजा गया था, वो बदकार थे कि उन्हें जेल में भेजा गया था, वो मुजरिम थे कि उन्हें जेल में भेजा गया था। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने देखा कि हमारे सामने इंसान है। अल्लाह का हुक्म आया कि यूसुफ इस जेल के अंदर तुम्हें इंसानियत की खिदमत अंजाम देनी है, तुम्हें मरीजों का ख्याल करना है, तुम्हें मजबूरों को सहारा देना है, तुम्हें कमजोरों की इमदाद करनी है। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ये सारा काम जेल के अंदर करते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों था? असल में जेल के अंदर इंसानों के सामने वो तौहीद की दावत पेश करना चाहते थे, वो उन इंसानों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना चाहते थे, वो हिदायत का अल्लाह का पैगाम पहुंचाना चाहते थे। लेकिन उनका तरीका ये था कि उन्होंने पहले इंसानों के जहन को हमवार किया है, पहले उन्हें अपने से करीब किया है, उनके साथ हमदर्दी का मुआमला किया है। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम जब जेल में दाखिल किए जा रहे थे तो उनके साथ दो और मुजरिम भी जेल में दाखिल किए जा रहे थे। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने जेल के अंदर एक माहौल बना लिया है, इंसानों के साथ इंसानियत का सलूक करके एक माहौल पैदा कर लिया है, एक माहौल बना लिया है। उसके बाद उन कैदियों के सामने अल्लाह का पैगाम पेश किया, या साहिब सिजन अरबाब मुतफर्रकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल काहार वमा ताबुदूना इल्ला अस्माअन समैतुमूहा अंतुम वआबाउकुम मा अनज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला ताबुदूहु इल्ला इय्याह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्थरन नासी ला याअलमून। जेल के अंदर इंसानों के सामने, मरीजों के सामने, कमजोरों के सामने, काफिरों के सामने, मुशरिकों के सामने, अपने उन साथियों के सामने, उन दो साथियों के सामने अल्लाह का पैगाम पेश कर रहे हैं और एक और कह रहे हैं, ऐ मेरे जेल के दोनों साथियों, तुम मुझे बताओ ये अलग अलग जो माबूद हैं ये बेहतर हैं या एक जबरदस्त अल्लाह ज्यादा बेहतर है? अरे तुम जिस चीज की इबादत करते हो वो तो सिर्फ नाम है जिसे तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने गढ़ लिया है, उसके साथ कोई दलील नहीं है, हाकमियत तो सिर्फ अल्लाह की है, तुम्हें सिर्फ इस बात का हुक्म है कि एक अल्लाह की इबादत करो, यही सीधा दीन है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर अल्लाह का ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर का तरीक़े कार बता दिया। पहले जेल के अंदर उन्होंने माहौल बनाया है, उन्होंने लोगों का मिजाज बनाया है, उन्होंने लोगों को अपने से करीब किया है, उसके बाद अपना पैगाम पेश किया है, हिदायत की बात पेश की है। कुरान सारी दुनिया को ये बता देना चाहता है, कहे दावतो तबलीग का पैगाम लेकर, दावतो तबलीग की तहरीक लेकर, ऐ लोगों, ऐ उठने वालों, याद रखो ये तरीक़े हिदायत है, ये दावतो तबलीग का तरीका है। पहले लोगों के दरमियान अपनी हैसियत बहाल करो, पहले उनका मिजाज हमवार करो, पहले इंसानों की खिदमत करो, उसके बाद अल्लाह का पैगाम उनके सामने पेश करो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये तरीक़े अमल बताया जा रहा है। ये तीनों चीज़ें हो गईं, नबी के पैगंबर के जज्बात का भी पता चल गया, उनके उसलूब का भी पता चल गया, उनके तरीक़े कार का भी पता चल गया, और ये सारी चीज़ें आला दर्जे पे हुजूर अहमद मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात में मौजूद है। अल्लाह के मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह लोगों को करीब करते थे, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैं पेश करूंगा जो कुरान के अंदर है। जब नमाज फर्ज हुई, मक्के में फ़र्ज हुई, नमाज का जो क़िबला था वो काबा था, नमाज का क़िबला काबा था, मक्के में लोग नमाज पढ़ रहे थे, उसके बाद हिजरत हुई, हिजरत करके लोग मदीने पहुँचे हैं, वहाँ हिजरत करके लोग मदीने पहुँचे हैं। शुरू में तो काबे की तरफ नमाज पढ़ी जा रही थी, काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख़याल आया कि यहाँ मदीने में यहूदों यहूद की बस्ती है, यहां यहूद आबाद हैं, इनको इस्लाम से करीब करना चाहिए। आपने देखा कि यहूद बैतुल मक़दिस का बड़ा एहतराम करते हैं, बैतुल मक़दिस को बड़ा मानते हैं, उसे वो अपना क़िबला समझते हैं, बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो अल्लाह के रसूल का तरीक़े दावत और हिदायत देखो, उन्होंने सोचा, अल्लाह के पैगंबर ने सोचा, अल्लाह के रसूल को ख्याल हुआ कि बैतुल मक़दिस को ये यहूद बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, अगर हम बैतुल मक़दिस के ताल्लुक से अपने एहतराम और अपनी इज्जत और अपने अदब को जाहिर करें तो हो सकता है कि ये करीब आ जाएं, ये हमारी बातें सुनने लगें, ये इस्लाम में दिलचस्पी लेने लगें। अभी नमाज का क़िबला काबा है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने काबे का क़िबला ख़त्म कर दिया और बैतुल मक़दिस को अपना क़िबला बना लिया। अरे काबे का क़िबला ख़त्म करके बैतुल मक़दिस को अपना क़िबला सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि यहूदों को कुछ दिलचस्पी पैदा हो जाए, यहूदों की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल कराया जाए। अरे इससे बढ़कर दुनिया में क्या मिसाल हो सकती है कि पैगंबर इस्लाम ने काफिरों मुशरिकों और ख़ास तौर से यहूद को अपनी तरफ करने के लिए, अपने करीब लाने के लिए अपनी नमाज का क़िबला भी बदल दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 16-17 महीने तक बैतुल मक़दिस की तरफ लोग रुख करके नमाज पढ़ते रहे, बाद में फिर क़िबला बदल दिया गया और फिर वही काबा क़िबला बना दिया गया। लेकिन अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहूद को इस्लाम से करीब करने के लिए उनके क़िबले को अपना लिया है, उनके क़िबले को अपनी नमाज का क़िबला बना लिया है। अरे दूसरों के साथ हमदर्दी और उनके साथ खैरखाही का मामला करने की इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है। बेशक अल्लाह के मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह लोगों को इंसानियत का दर्स देते थे, अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे। सहाबा का दौर है, ताबईन भी उस दौर में पाए जा रहे हैं।
एक मौके पर एक सहाबी और एक ताबेई दोनों साथ साथ किसी रास्ते में किसी गुजरगाह पर बैठे हुए हैं। एक जनाजा उधर से गुजरा, जनाजा जब गुजरा तो वो दोनों हजरात खड़े हो गए, वो सहाबी भी और वो ताबेई भी दोनों खड़े हो गए। कहने वालों ने उनसे कहा, ये आप किस किस जनाजे के लिए खड़े हो गए? आपको पता है ये किसका जनाजा है? आप दोनों को मालूम है ये किसका जनाजा है? अरे ये उस काफिर का जनाजा है जो इस्लामी हुकूमत में अमान हासिल करके रह रहा था, वो जिम्मी है, वो काफिर है, ये काफिर का जनाजा है। और आपने उसके जनाजे को, आप दोनों उसके जनाजे को देखकर खड़े हो गए। पूछने वालों ने पूछा तो उन दोनों हजरात ने बयक जबान बताना शुरू किया कि सुनो सुनो, अल्लाह के मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने से उनके जमाने में भी एक यहूदी का जनाजा गुजरा था, आप बैठे हुए थे और फिर उठकर खड़े हो गए। लोगों ने अर्ज किया, सहाबा ने अर्ज किया, या अल्लाह के रसूल आपको मालूम है कि ये किसका जनाजा है? अरे ये एक यहूदी का जनाजा है। सहाबा कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है कि जिसके लिए आप खड़े हो गए, ये किसी सहाबी का जनाजा नहीं है कि जिसके लिए आप खड़े हो गए, अरे अल्लाह के रसूल ये एक यहूदी का जनाजा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अलैसत नफ्सन, क्या वो इंसान का जनाजा नहीं है? क्या मरने वाला इंसान नहीं है? अरे जब किसी इंसान का जनाजा आए तो हटो बचो करो, उसको रास्ता दे दो ताकि वो जनाजा आसानी के साथ गुजर जाए। काफिर के जनाजे के साथ भी ये सुलूक करने की इजाजत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रिवायत कोई ज़ईफ या मौजू रिवायत नहीं है, ये कोई कमजोर रिवायत नहीं है, अरे ये उस किताब की रिवायत है जिसका दर्जा कुरान के बाद सबसे आला है। इमाम बुखारी ने इस हदीस को अपनी सही में नकल फरमाया। और कमाल ये है कि इमाम बुखारी की इसी रिवायत को इमाम मुस्लिम ने भी नकल किया है। और हदीस की वो रिवायत जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम नकल कर दें, वो सबसे आला तरीन रिवायत होती है। और इससे कमाल की बात यह है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस रिवायत को अपनी हदीस की मुस्नद में नकल किया है। और इससे कमाल की बात यह है कि यह सिर्फ हदीस नहीं बल्कि इस हदीस पर सहाबी ने अमल करके दिखाया, ताबेई ने अमल करके दिखाया और पूरी उम्मत को बता दिया कि इंसानियत का एहतराम करना सीखो। अगर वो काफिर है मगर वो इंसान है, इंसानियत का सलूक करो। अगर वो मुशरिक है मगर वो इंसान है, इंसानियत की खैर खाही मलहूज रखो। सीरत तैयबा के औराक में इस तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। किसी मौके पर एक काफिर को कैद किया गया जिसका नाम सुहैल बिन आम्र था। वो काफिर ऐसा इंसान था कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिलाफ तकरीरें करता था। वो तकरीर में बड़ा माहिर था, उसकी तकरीर से लोग बहुत मुतासिर होते थे। वो बहुत बड़ा खतीब था अपनी कौम का। वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिलाफ तकरीरें किया करता था। इत्तेफाक से वो कैद कर लिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये दुश्मन ईमान, ये काफिर आपके खिलाफ तकरीरें करता था, आप इसके दांत तोड़ दीजिए, इसके सामने के दांत तोड़ दीजिए ताकि आइंदा ये कभी आपके खिलाफ आवाज ना निकाल सके, कौम को ये ना भड़का सके। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ उमर, मैं दुनिया में इसलिए नहीं आया कि मैं लोगों के दांत तोड़ूं, मैं लोगों की नाक तोड़ूं, मैं लोगों के कान का
काटूं, मैं दुनिया में इंसानी आजा का मुसला करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं दुनिया में तो इंसानियत को बचाने के लिए आया, इंसानों के साथ हमदर्दी करने के लिए आया। ऐ उमर याद रखो, आज तुम ये बात कह रहे हो, एक दिन आएगा जब यही इंसान एक मकाम पर खड़ा होकर तकरीरें करेगा तो तुम इसे रोक ना सकोगे और तुम इसे कुछ भी बुरा ना कह सकोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत सैयदुल उलमा। हज़रत अल्लामा सैयद मसरूर राजी शहबाजी खानकाए शहबाजिया हदिया दुरूद पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीईना मौलाना मुहम्मद मादन जूदी वल करम منبع العلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله। हजरत मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत उमर ने कहा था कि अल्लाह के रसूल इसके दांत तोड़ दें ताकि ये आपके खिलाफ तकरीरें न कर सके, मगर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मैं दुनिया में आजा को खराब करने के लिए नहीं आया, मैं इसके दांत तोड़ने के लिए नहीं। ऐ उमर, एक जमाना आएगा, एक वक्त आएगा कि तुम देखोगे कि यही इंसान तकरीर कर रहा है, लेकिन तुम इसे बुरा भी ना कह सकोगे। वो कौन सा जमाना आया? अल्लाह के मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हुई है, आप इस दुनिया से रूपोश हो गए हैं। उसके बाद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया है। आपकी खिलाफत के जमाने में बहुत से लोगों ने शोरिश की, बहुत से लोगों ने आपकी खिलाफत के जमाने में इस्लाम के खिलाफ सर उठाया और ये शैतानी वसवसा लोगों के दरमियान डालने लगे कि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन उनकी जिंदगी तक था, वो दुनिया से चले गए, अब ये दीन खत्म हो गया। इस तरह का वसवसा यहूद और मुनाफिक लोगों के दरमियान पैदा करने लगे। जो कमजोर ईमान के लोग थे, जो नए नए मुसलमान हुए थे, वो इस्लाम से फिरने लगे, बहुत से लोग इस्लाम से हटने और दूर होने लगे। ये पोजीशन हो गई, वहां कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि जो इन इस्लाम से फिरने वालों को रोके। वो सुहैल बिन आम्र थे कि जो इस्लाम ला चुके थे, जिनको आजाद कर दिया गया था, जो गिरफ्तार हुए थे, जिनका दांत तोड़ने का मशवरा हजरत उमर ने दिया था, अल्लाह के रसूल ने मुआफ कर दिया था, वो सुहैल बिन आम्र थे। वो खड़े हुए और खिताब करने लगे, अपनी कौम के सामने, लोगों के सामने खिताब करने लगे। कहे लोगों, क्या तुम समझते हो कि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन, दीन इस्लाम महदूद वक्तों के लिए था? नहीं नहीं, ये दीन तो कयामत तक के लिए था। इस इस्लाम के अंदर, इस दीन के अंदर अभी और ज्यादा कुव्वत पैदा होगी, अभी और ज्यादा ये इस्लाम फैलेगा। जब अल्लाह के मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहे रहमत के वो परवरदा हजरत सुहैल बिन आम्र, जो अल्लाह के रसूल के खिलाफ किसी जमाने में तकरीरें कर रहे थे, आज वो इस्लाम के मुहाफिज बन गए हैं, लोगों का ईमान और इस्लाम बचाने वाले बन गए। गौर करो, अगर हजरत उमर के मशवरे से सुहैल बिन आम्र के दांत तोड़ दिए गए होते तो आज कौन बचाता? आज मुसलमानों की जमात में जो इंतशार पैदा हो रहा था उसे कौन खत्म करता? लेकिन पैगंबरे इस्लाम ने अपनी रहमत के जरिए, अपनी मुरव्वत के जरिए यह जाहिर कर दिया था कि अगर आज तुम रहमत करोगे, अगर आज तुम शफकत का बर्ताव करोगे, अगर आज तुम मेहरबानी का सलूक करोगे तो यह जाय नहीं जाएगा, बल्कि आइंदा इसका फायदा पहुंचेगा। यह है पैगंबर।
पैगंबराना मिशन, यह है पैगंबराना तरीके कार। अगर इस दुनिया में पैगंबराना मिशन को, रसूल के मिशन को, पैगंबर इस्लाम के तरीके दावत को अगर आम करना है, अगर फैलाना है, इस्लाम को कुव्वत बख्शनी है, तो आओ पैगंबराना मिशन के इस तरीके को इख्तियार कर लो। यकीनन इस्लाम बढ़ेगा, ईमान की कुव्वत और बढ़ेगी, इस्लाम का नूर और फैलेगा। लेकिन अगर कोई इस पैगंबराना मिशन के तरीके को छोड़कर कोई दूसरा तरीका, कोई दूसरा उसलूब इख्तियार करेगा, तो वो तरीका, वो उसलूब कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर तबलीग करना है, अगर अपनी जबान और अपने उसलूब को सुधारना है, तो परवरदिगार आलम से दुआ करो, रब्बिशराहली सदरली वयस्सिरली अमरी वहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफकहू कौली वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत, अभी अभी आपकी समातों के हवाले हजरत ख़तीबुल इस्लाम हजरत मौलाना अरशद जमाल साहब क़िबला अशरफ़ी सदर मदरस मदरसा मुहम्मदिया तजवीदुल कुरान जो अपने ख़िताब से हमें और आपको फैज़याब कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि आपकी निगाहों के सामने मिंबर शरीफ पे जलवाबार औलाद रसूल अकरम नाइब गौसे आज़म हज़रत मौलाना सैयद मसरूर राजी शहबाजी खानकाह शहबाजिया भागलपुर की आमद आमद हो चुकी है, और साथ ही साथ सदर बावकार पैकर इल्म बहार जामे शरीयत व तरीक़त आलम सुन्नियत हज़रत मौलाना सूफ़ी शाह मोहम्मद ज़कीउल्लाह साहब क़िबला असदुल क़ादरी अल कामली वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और